ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਟਾਟਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਆ। ਅੱਛਾ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ ਮਨਕੀਰਤ ਵੀਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ किया मोटर्स ने आज कर दी है अपनी सोनेट फाइनली लॉन्च, और काफ़ी दिनों से उसने अपनी रिवील की हुई है जिसकी काफ़ी सारी वीडियोस अभी तक यूट्यूब पे भर चुकी हैं। तो किया मोटर्स ने अपनी जो पहले रिवील कर दी है सोनेट, आज उसे लॉन्च की कर दिया है और उसके प्राइजेस भी ऑब्वियसली लॉन्च के साथ रिवील हो चुके हैं। तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि वो कितने ज़्यादा सिमिलर हैं अपने सिस्टर वेन्यू से। तो आप अभी अभी यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे कहीं पे देख रहे होंगे सोनेट के प्राइजेस, जो कि मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है एक नेट से ऑब्वियसली, तो आप उसमें प्राइजेस देख रहे होंगे। एंड जो आपको यहाँ पे देखने वाली बात है कितने सिमिलर प्राइजेस वो यहाँ पे मिलने वाले हैं, किसमें वेन्यू एंड किया सोनेट। वेन्यू आती है ह्यूंडई मोटर्स की तरफ से वेन्यू, एंड देन सोनेट आती है किया मोटर्स की तरफ से, ये आपको पता ही होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे जो किया मोटर्स और ह्यूंडई में जो रिलेशन है वो यहाँ पे भी झलक रहा है। किस टाइप से मैं आपको बताता हूँ, आप जो किया मोटर्स और ह्यूंडई मोटर्स का जो रिलेशनशिप है उस वीडियो देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी लिंक मिल जाएगी, उसके लिए मैंने पहले से एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने अच्छे से बताया हुआ है ह्यूंडई और किया मोटर्स में क्या रिलेशनशिप है। तो जो यहाँ पे सेकंड नंबर पे जो बात आती है वो ऑब्वियसली वो रिलेशन तो दिख रहा है कि कितना प्राइजेस एकदम सेम मुझे दिख रहा है यहाँ पे, कि 6.7 से वो भी स्टार्ट है और 6.7 समथिंग से ही वो भी स्टार्ट है, और जो प्राइजेस एंड होते हैं वो वेन्यू के थोड़े ज़्यादा होते हैं, 12 पॉइंट समथिंग में एंड हो रहा है, और अब सोनेट के 11 पॉइंट समथिंग में यहाँ पे वेन्यू के प्राइजेस एंड हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो DCT वेरिएंट है वो भी SX ऑप्शनल में, मतलब जो टॉप वेरिएंट है वेन्यू का, उसमें जो DCT वेरिएंट है वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मतलब जो सबसे टॉप मॉडल है वो उसमें थोड़ा सा 1 लाख के अराउंड एक्सपेंसिव है। तो बस यही है, और हमें यहाँ पे वेन्यू में एक और एडवांटेज देखने को मिलता है, वो है कि जो वेन्यू के पास है वो उसके पास एक IMT गेयरबॉक्स, एक अलग से ट्रांसमिशन है जो अभी तक सोनेट के पास नहीं है। तो और एक और जो इसमें देखने वाली बात है कि बिल्कुल सेम ह्यूंडई और किया मोटर्स ने उसी तरह से करा जैसे कि क्रेटा और किया सेल्टोस का हुआ है, ह्यूंडई क्रेटा एंड किया सेल्टोस का बिल्कुल प्राइजेस क्लैश हो रहे हैं और बहुत कॉम्पिटेट एक दूसरे को कॉम्पीट कर रहे हैं। इसमें एक मुझे कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो लगती है देखने को वो मिल रही है, और मार्केटिंग स्टूडेंट मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझता हूँ कि ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। जैसे सेल्टोस और क्रेटा का क्रैश प्राइजेस हो रहे हैं, और वैसे ही वेन्यू एंड अपनी सोनेट के प्राइजेस भी कैसे क्लैश हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो अगली बात है वो है इस कॉम्पिटिशन में, मतलब जो ये कॉम्पैक्ट SUV का एक नया से कॉन्सेप्ट निकल के आया है, नया से एक सेगमेंट निकल के आया है, उसमें ऑलरेडी काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं। वेन्यू ऑब्वियसली अपनी नेक्सोन जो बार बार लॉन्च हुए जा रही है, मतलब अभी 2020 में दोबारा इसका नया लॉन्च हुआ है, और एक मनकीरत ओलक जो कि एक पंजाबी सिंगर है उसने भी एक अपनी वीडियो बनाई है नेक्सोन पे, उसने भी एडवर्टाइज किया है अपने खुद के अपने चैनल पे नहीं लेकिन एक वीडियो म्यूज़िक वीडियो चैनल पे। तो उसकी भी वीडियो अभी आपको थोड़ी थोड़ी मैं फ्लैश करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे, और XUV300 जो कि खुद में काफ़ी अच्छा सेगमेंट है जिसमें पीछे जो रियर स्पेस है वो काफ़ी अच्छा है, थोड़ा सा प्रीमियम सेगमेंट है इन सब से लेकिन इसी में आ जाता है जैसे तैसे, उसमें काफ़ी अच्छा स्पेस है रियर में, हालांकि बूट स्पेस इतना नहीं है लेकिन अच्छा खासा स्पेस है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सोनेट अपनी किस तरह से जगह बनाती है।